सरीला तहसील के ग्राम पंचायत गुटक्वारा एवं भकरोली में ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है कि नलकूप संख्या 68 की स्थिति बहुत ही खराब है, साथ ही वहां पर पेयजल समस्याओं का अंबार लगा है। ग्रामीणों ने बात करने पर बताया कि नलकूप चालक हमेशा नदारद रहता है। नलकूप के अंदर टूटे एवं बिखरे तारों से कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि नलकूप का मुख्य प्रवेश गेट टूटा पड़ा है और नलकूप की काफी दिनों से मोटर भी फूक चुकी है। इस बारे में गुटक्वारा गांव निवासी समाज सेवी चंद्रशेखर पुत्र अयोध्या प्रसाद द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि गांव में तालाब की खुदाई चल रही है और पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी का एकमात्र सहारा नलकूप संख्या 68 ही है। गांव वालों ने विभाग को सूचित किया कि मोटर जल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव में विद्युत तारों के टकराने से आग आए दिन लगी रहती है। नलकूप के खराब होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। क्या नाम है आपका? गुलाब राजपूत। तो आपके यहाँ जो नलकूप संख्या 68 है, इसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल जर्जर है, ना कोई यहाँ पे व्यवस्था है जिसमें तार जोड़े जाए, नंगे तार जोड़ती हैं और एकदम खतरा है जी। मौत पर खेल के हम ये काम सिंचाई करते हैं, चलाते हैं, ना कभी ऑपरेटर आता है। यहाँ पे जो ऑपरेटर तैनात हैं उसका कोई पता नहीं कौन है। अच्छा, तो यहाँ पे और बाकी जानवर वगैरह का पानी की सुविधा क्या है पीने कुछ की? कुछ नहीं, हमारे पास एक ही जलाशय में आता है, वो भी बिल्कुल जर्जर पड़ा। अच्छा, चलिए ठीक है।